अकेला जाबो बंधु, आप अकेला जाबो तो जीवन में एक सिद्धांत बना ली, ऐसा काम करी कि जीवन धन्य हो जाए, नहीं तो मरे के बाद में भी थी बातें। एक संत बड़ा भाव लिखी, एक दिन घूमने निकले दिल में भरे अरमान थे, पीछे पीछे महल थे आगे शमशान थे, पीछे पीछे महल थे आगे शमशान थे, अचानक एक हड्डी से पैर टकराई तो उसके यही स्पष्ट बयान थे, जरा संभल कर चलना ओ मुसाफिर, कभी हम भी तेरे जैसे इंसान। कुछ नहीं है बंधो जीवन में, राम जी आई सिर्फ भक्त मन के चलते, हनुमान जी आई राम जी के सेवा करे। और बंधु आपने एक बात बताई, हनुमान जी यदि नहीं होती तो राम रावण के युद्ध भगवान राम नहीं जीतती, हनुमान जी नहीं रहती तो महाभारत के युद्ध कृष्ण अर्जुन नहीं जीतती, एकमात्र हनुमान जी है। और हनुमान जी संसार का दिखाना चाहे हल्का ले, मैं आपका निवेदन करता हूँ, जहां भी हनुमान जी है छोटे बने, काम बहुत बड़े बड़े करें लेकिन रूप छोटे ले, मसक समान रूप कभी धरी, अति लघु रूप धरे हनुमाना। और कहाँ जाते हैं विदेश बिना वीजा के, नहीं, काम बड़े करें लेकिन रूप छोटे। लेकिन आज काम हम नान कन करतन एडवर्टाइज कतेक न कते, मैं तो व्हाट्सएप मन में देखत रहता हूँ, एक ठीक केला ला अस्पताल के एक ठीक बीमारियाँ ला धरात रहते आ बारह झन फोटो खींच पात रहते, वो एक ठीक केला ला देखते हो बीमारियाँ ट्रांसफॉर्म मर गए बीज बारह जी मंचन देख के सड़क तीर में दू हाड़ी पानी पानी नहीं है, फ्लेक्सी 40 फुट के फलना के स्मृति में पियाऊ करे एडवर्टाइज न करे लेकिन करें। हनुमान जी छोटे बन के काम करते थे, और आप हमें भी एक निवेदन है कि जितना हम छोटे बन जाए समाज उतना ऊपर उठे। हनुमान जी आप देख ला, हनुमान जी छोटे बनी भारत देश में हनुमान जी के मंदिर की ना, और राम जी के मंदिर गल ला, हनुमान जी एक बार राजा रघु समुद्र के किनारे प्रार्थना करते हैं, रावण पहुंची रघु मैं आपका प्रताप देखना चाहता हूं, राजा रघु बोले क्या प्रताप देखोगे, नहीं नहीं दिखाओ प्रताप, रुको मेरा ध्यान दूसर तरफ चला गया। एक सींग लिए राजा रघु धनुष पे चढ़ाए खींच के छोड़ दिए, रावण पूछा ये क्या किए, मैं गौ माँ का चिंता कर रहा था, इसलिए गौ माँ का चिंता कर रहा था, गौ माँ को शेर काट रहा था, मैं गौ माँ की रक्षा कर रहा था और इसीलिए सींग का सर भेजा, ऐसा कैसा हो सकता है, जाके देखो। रावण जाके देखा शेर मरा पड़ा था, गाय चारा चल रही थी। वाह, रावण बोले फिर भी मैं प्रभाव देखना चाहता हूँ, देखना चाहते हो तो बालू के लंका बने राजा रघु, ये राजमहल है, ये प्रजाओं का घर है, ये भाई बंधुओं का घर है, ये घुड़सवार है, ये हाथी बांधने का है, ये अशोक वाटिका है, इतना ही है लंका। बोले जी राजा रघु सर निकाले और एक लाइन खींचे, बोले क्या किए, लंका को देख के आओ। रावण लंका देखने गया तो जितना दूर तक राजा रघु सर खींचे थे समुद्र में विलीन हो गए। बाप रे, ये प्रभाव, ये प्रभाव तो भी मैं प्रभाव देखूंगा। राजा रघु सर चढ़ा लिए, बोले मैं मारूंगा रावण को, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, आप मार नहीं सकते, मैं मारूंगा ब्रह्मा जी, मना न करो, ये मरेगा इसी सर में मरेगा, लेकिन दशरथ जी आपके हाथ से नहीं मरेगा, आपके घर में वो कोई पुत्र राम आएगा और राम के हाथ से मरेगा, ये सर आप मुझे दे दो। ब्रह्मा जी सर लेके चले गए,
रावण मालूम था कि ब्रह्म सर से मैं मरूंगा, तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांगो वरदान मांगो। क्या मांगते हो? बोले एक ही वरदान दो, राजा रघु का जो सर रखे हो वो सर मुझे दे। ब्रह्मा जी सर दे दिए, सर को लाके लंका में रखा, सर को लेके लंका में रखा। तीन को पता था, विभीषण को, मंदोदरी को, रावण को। विभीषण को पता था लंका में सर है, लेकिन मंदोदरी और रावण को पता था कि कहाँ पे सर है लंका, कौन जाएगा। बाल हनुमान ब्राह्मण के वेश बना के, जीतेगा भाई जीतेगा, राजा रावण जीतेगा, नारा लगा रहे। मंदोदरी बोली, क्या बात कर रहे हैं महाराज, भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए हैं और मेरे स्वामी का वध करेंगे, मेरे स्वामी जीतने का कहीं पे चांस नहीं, आप कैसे बोल रहे हो। मंदोदरी, रावण जीतेंगे पक्का है। एक बात को रावण भूल गया है, किस बात को? राजा रघु का सर जो ब्रह्मा के पास से रावण लाए हैं वो भूल गए हैं, कहाँ रखे हैं, याद दिला देना, फिर रावण जीत जाएगा। मंदोदरी बोली, महाराज ई खंभा में है, हनुमान की भूता बन गए, खंभा टोरी सर ला लेके गिन, राम जी ब्रह्म शस्त्र के प्रयोग करी और रावण के बचा। हनुमान जी ही है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजिया। अर्जुन, हनुमान जी समुद्र के किनारे प्रार्थना में थे, कटली वन के पास में अर्जुन पहुंच गए। बोले अरे बानर, तुम्हारे भगवान में हिम्मत नहीं था क्या? क्या हिम्मत, पत्थर का सेतु बांधे, मैं होता तो सर सर का सेतु बांध देता और सारा सेना पार हो जाते। हनुमान जी बोले अर्जुन सुन, सर का सेतु रामा दल के छोटा बानर उन पांव का उंगली रख देगा तो टूट जाएगा। बोले न टूटे तो जो कहोगे मैं हारूंगा, और टूट गया तो, अर्जुन बोले मैं आत्मदाह करूंगा। तो बांध सेतु, अर्जुन सेतु बांधे, सेतु बन के तैयार। अर्जुन बोले सेतु तैयार, हनुमान जी बोले राम का बंधन भी तैयार। सेतु के ऊपर में पांव रखे, सेतु टूट के चरमा रहा। शर्त के तहत अर्जुन बोले थे मैं आत्मदाह करूंगा। लकड़ी इकट्ठा हो गया, आत्मदाह करने के लिए तैयार। भगवान सोचे दोनों भक्त लड़ रहे हैं, क्या करूं, खुद ब्राह्मण के विवेश में है। बोले क्या बात है महाराज, हम दोनों में शर्त था, सेतु टूट जाए तो आत्मदाह करे, न टूटे तो मैं इनके घर में नौकर रहूं। सेतु टूट गया तो अच्छा, टूट गया, गवाह कौन था? बोले गवाह तो कोई नहीं, तो फिर क्या करते हैं। अभी एक काम करो, अभी अर्जुन सेतु बांधे और हनुमान सेतु तोड़े। सेतु बांधे अर्जुन, हनुमान जी सेतु में चढ़ गए, तट से मछली हुआ, इस पार से उस पार, तट से मछली हुआ, उधर से जवा रहे थे तो हनुमान जी देखे सेतु के दोनों तरफ रक्त की धाराएं बह रही है। हनुमान बोले अर्जुन, दौड़ते आए भगवान कच्छप के रूप में, पुल को संभाले थे, हनुमान जी का वजन सह नहीं पा रहे थे, खून से उल्टी हो रही थी और वही लाल बनोतर रह रहा था। दौड़ते आए हनुमान जी देखे कोई कच्छप नहीं था, भगवान बूढ़ा वेश में, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बांसुरी और पीठ में सेतु को संभाले हैं। हनुमान जी का वजन सनी के पा रहे थे, बार बार खून खून की उल्टी हो रही थी। हनुमान बोले प्रभु ये जन्म मेरा क्यों हुआ, आपको दुख तकलीफ देने के लिए क्या करूं भगवान। भगवान कृष्ण बोले हनुमान मैं क्या करूं, दोनों ही मेरे भक्त हो और दोनों लड़ रहे हो तो मर्यादा तो मुझे रखना। हनुमान जी बोले मैं हार गया अर्जुन, जहां कहो ले जाओ। अर्जुन बोले भगवान को ले चले, भगवान बोले नहीं काम पड़ेगा तब लेंगे,
चले गए। महाभारत का युद्ध का समझौता करने के नहीं हुई, युद्ध चालू होना था। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन जाओ हनुमान को लेके आना। क्या बात करते हो महाराज, मेरे जैसे बलशाली धनुषधारी और आपका भक्त, हनुमान को लेने जाओ युद्ध के मदद के लिए। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो लेकिन मैं साक्षात भगवान हूँ। रामा अवतार में हनुमान के बिना राम रावण का युद्ध नहीं जीत पाया, तो महाभारत का युद्ध भी हनुमान के बिना नहीं जीता जाएगा। जाओ लेने के लिए। बोले महाराज, पहले बार मामला गड़बड़ हो गया था, आप भी साथ में चलते तो बढ़िया होता। बोले चलो। गए हनुमान, चलो कहा युद्ध में मदद करने के लिए। हनुमान जी बोले, क्या युद्ध के दरमियान वहाँ प्रवचन होगा? कृष्ण जी बोले, वहाँ मार काट होगा कि प्रवचन होगा? हनुमान जी बोले, मैं नहीं जाऊँगा। कृष्ण जी बोले, राम रावण के युद्ध में क्या भगवान राम रण क्षेत्र में उपदेश देते थे? बोले जी, रावण रथ धर्म रथ का उपदेश रण क्षेत्र में भगवान दिए, रावण रथ वीरथ रथ दिए। आप यदि कथा सुनाओगे तो मैं जाऊंगा। चलिए आ गए, ध्वज में बैठ गए, कपि ध्वज नाम पड़ा। और बीच बीच में युद्ध के दरमियान भगवान कृष्ण महाभारत का कथा सुनाते थे, गीता का उपदेश देते थे। मानो वो अर्जुन को नहीं सुनाते थे, वो तो झंडा में बैठे हुए पवन पुत्र हनुमान को सुनाते। महावीर कर्ण के पास एक सर का एक तक्षक खंडव देश की जब अर्जुन के द्वारा निर्माण हुआ, भूमि उत्खनन हुई, सारा परिवार मर गया, अकेला बचा था, वो तक्षक कर्ण के पास जाके समझौता किया, मेरा अर्जुन से दुश्मनी है, आपका भी है, तो मैं आपके साथ हूँ, जब युद्ध हारते रहो मेरे सर का उपयोग कर लेना, सारे समूल परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा। जब हार रहे थे तो कर्ण महावीर कर्ण और वही सर को चढ़ाया है और छोड़ा है, और वही हनुमान जी पृथ्वी में भगवान को पाताल लोक में ले गए रथ समय। हनुमान जी को दो बार पाताल जाना पड़ा, अहिरावण राम रावण को जेल ले गया था तब, और ये कृष्ण और अर्जुन को लेकर पाताल गए। रथ सर निकल गया था, जल के खाक हो गया। जब रथ निकाले, युद्ध जीते, भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन उतरो और दूर चले जा। बोले क्यों? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। भगवान कृष्ण उतरे, दूर चले गए। हनुमान जी को बोले, हनुमान जी झंडा से अपना स्थान छोड़ दो। हनुमान जी झंडा से जैसे स्थान छोड़े कि रथ में आग लग गई। अर्जुन पूछे, महाराज रथ में आग? भगवान बोले, दग्ध रथ था ये, तो कब से आग लगी थी? ये तो हनुमान जी के। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजिया प्रभाव चारों युग में। और बंधु, हम धर्म का रक्षा करें, धर्म हमारा रक्षा करेगा।